DSS, उसका फुल फॉर्म आपको हम समझाते हैं। डी से दारू, एस से सप्लाई, एस से सेवा। DSS का मतलब दारू सप्लाई सेवा। हम इनसे सीधा सवाल करते हैं, आप बाबा का विरोध हो रहा है और आप यहाँ बाबा को आप सुनने आए हैं। बाबा को वही लोग विरोध करते हैं जो सनातन और भगवान राम को और अपने माँ बाप को नहीं मानते हैं। सीधी सी बात, तेज प्रताप अपने माँ बाप को नहीं मानते हैं जी। अब वो हम किस आधार पर, पहली बात बोले वो आपने बोला ना, लेकिन वो सही में बोल रहे हैं, अगर अपने माँ बाप को मानते तो राम को विरोध नहीं करते, राम को विरोध नहीं करते। पहली बात, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ठीक है। अभी जो सुने होंगे कि संतोष रेणु और इधर विकास राज, तेज प्रताप, ये सब लाठी में तेल पिला फेंक दिया, लाठी में तेल पिला कर रखा। अरे भाई तो कहाँ है अब लाठी, लाओ ना यहाँ पर। DSS, सीधी सी बात, DSS, उसका फुल फॉर्म आपको हम समझाते हैं। डी से दारू, एस से सप्लाई, एस से सेवा। DSS का मतलब दारू सप्लाई सेवा। अब क्या बोल रहे हैं, ठीक है। आज से आज, अरे उन लोगों का सरकार है महाराज, पकड़ा दीजिए आप। पकड़ा जाएंगे तो कौन सी दिक्कत हो सकती है। एक मिनट सुनो, नहीं ये ज्यादा चढ़ना भी नहीं है। आज जेल हुई, कल बेल हुई, मनीष कश्यप का उतना क्षमता था। तय अभी देखिए, दुनिया बोल रहा है कि मनीष कश्यप को बोल रहा है ना, अभी एक मीडिया है। आपको हम ये बता देते हैं कि उससे पहले से आप नहीं होंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग आप अभी कर रहे हैं ना, ग्राउंड रिपोर्टिंग, वो भी ग्राउंड पे लाइव जाके दिखाता था, कोई विरोध तो नहीं करता, कोई गलत चीज तो नहीं दिखाता था। क्या उसने चोरी किया, कुछ नहीं किया, उस पर NSA लगा ना, उस पर NSA लगा। किस बात पे, ये जो उसको बोल दिया कि आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, हमें स्टील का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, इस बात उसको खल गया। सही में 40-42 लाख फॉलोवर्स है मनीष कश्यप का भाई। किसी को खलेगा, किसी नेता को उतना नहीं है जितना मनीष कश्यप का फॉलोवर्स। ये आपको हम बोल रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि ये चीज है। एक ना एक वीडियो मनीष कश्यप के बारे में पड्डे बना के और डालिए, पड्डे बना के। अगर आवाज दब गया तो एक चीज आप बात जान लीजिएगा, सत्ता का जो मेन होता है ना, उसका फुल फॉर्म 5 वर्ष का ही होता है। आज RJD है, कल BJP आएगा, कल कांग्रेस आएगा, BJP। जो अब मेन चीज है, जो सबसे पहले जो मेन आवाज को उठाए वो होता है मीडिया, ठीक है। तो मनीष कश्यप अपने आवाज उठाता था, कह को अधिकारी को उसने सस्पेंड करवा दिया। आप बोल रहे हैं जो आवाज सही उठाता है वो होता है मीडिया, उसको लोग जेल में कर दिया, बोल रहे हैं वो होता है मीडिया। तो वही ना, उसको दबा दिया जाता है। तो यही ना, 9वीं फेल सरकार का क्या होगा, 9वीं फेल सरकार का क्या होगा। अरे जेल हो सकता है तो ऐसे थोड़ी ना होगा। मनीष कश्यप के पहले तो जब्दी कुर्ती होगा, हम भी के देंगे कुंटन। अभी गाली गलौज नहीं, हम भी हम अपने बारे में बोल रहे हैं, हम भी जाके अभी भी ऐसे क्या है, चला मैं ग्रेजुएशन करके बैठे। ये तो बात अलग है, बाबा का जो ग्रेजुएशन, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, इतनी भीड़ आई है, बाबा को विरोध, धूल उड़ रहा है, संदेश देना चाह रहे हैं। क्यों आए हैं जब बाबा के विरोध करे थे? बाबा को जो विरोध करता है, जो बाबा को विरोध करता है, ठीक है, वो सच में माँ बाप। देखिए माता राम बोल, जो बाबा का विरोध करेगा वो क्या करेगा, चुप लौट जाए। विरोध करे चुप लौट जाए, पटनों से विरोध कर रहा है सब लौट जाए अपना घरे। हम हाजीपुर से, हाजीपुर से कब आए, सुबह में सवेरे आए थे, 5 बजे दर्शन हुआ, हो गया। देखिए तो अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो हो गया। यहाँ बोल रहा है कि व्यवस्था सही नहीं है ना, व्यवस्था सही है तो चुप लौट जाए। और अच्छा, जो बोल रहे हैं व्यवस्था सही नहीं हो चुपके लौट जाए, चाची का हमारा कहना है, चाची हाजीपुर से चल के आई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।